स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मोनू यूट्यूबर में। गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाले साउथ अफ्रीका और साथ में इंडिया के बीच T20 का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। तो गाइस इस मुकाबला में हम लोग जानेंगे कि आज के मुकाबला में कौन कौन सा प्लेयर्स इंपोर्टेंट पिक होने वाला है, कौन कौन सा प्लेयर्स को अपने टीम में लेकर के चलना है। जैसा कि गाइस मैंने आपको T20 के सेकेंड मुकाबला में बोला था कि भाई सुमन गिल को आप अपनी टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन मत पिक करना। मैं आपको साथ में यह भी सजेशन दिया हूं कि मेगा ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो, मेगा ग्रैंड लीग को विन करना चाहते हो तो सुमन गिल को आप अपनी टीम से ड्रॉप करके भी जा सकते हो, क्योंकि मैंने उनका रिसेंट 5 मैच का फॉर्म बताया था T20 फॉर्मेट में और 5 के 5 मैच में फ्लॉप गए थे। तो मैंने आपको क्लियरली बोला था कि साउथ अफ्रीका का पिच है और साउथ अफ्रीका के पिच पे बात करें सुमन गिल का, तो देखो सुमन गिल का जब भी बल्ला बोलता है तो विदेशी पिच पर नहीं बोलता। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बोला था कि इंडिया का पिच होगा तो भाई सुमन गिल काफी अच्छा खासा स्कोरिंग करते हुए दिख जाएंगे, लेकिन रिसेंट फॉर्म भी कुछ खास नहीं था और मैं अपने टीम से सुमन गिल को ड्रॉप करके गया था। और कैप्टन और वाइस कैप्टन की सिलेक्शन परसेंटेज की बात करें तो 30% से ऊपर लोग अपने टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन बना करके जा रहा था। लेकिन T20 का इस मुकाबला में, T20 के थर्ड मुकाबला में बात करेंगे कि मेगा ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट कैप्टन किसे बनाना, परफेक्ट वाइस कैप्टन का सिलेक्शन किसे करना है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। उससे पहले जो भाई वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और भाई चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ओपन कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाएगा। तो गाइस देखो ये T20 का थर्ड मुकाबला, ये जो मुकाबला खेलाया जाएगा न्यू वांडर्स स्टेडियम में, ये मुकाबला को खेलाया जाएगा 14 दिसंबर को मुकाबला होगा। इंडियन टाइमिंग के अनुसार 8:30 में ये मुकाबला आपको लाइव देखने को मिलेगा। साथ में अभी तक के आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो सबसे पहले आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर फाइनल टीम यानी जिस टीम से मैं विन करता हूं बने बनाया हुआ टीम टॉस होने के बाद आपको कहां पर देखने को मिलेगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन करने का तरीका क्या है, तो इसका लिंक आपको दो जगह पर मिल जाएगा, एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ में वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाओगे तो टॉप पर पिन कर दिया हूं, जहां से आप क्या कर सकते हो बड़े आसानी तरीके से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अब आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहां पे हुआ, तो ये जो वीडियो देख रहे हो इस वीडियो के नीचे सिंपली आपको मोड़ का आइकन मिलेगा, जब आप मोड़ के आइकन पर क्लिक करोगे तो ऊपर में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नहीं तो सिंपली क्या करना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट बॉक्स में जाने के बाद टॉप पर पिन कर देना, उस लिंक पर क्लिक करोगे डायरेक्टली आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाओगे। टेलीग्राम चैनल पर आने के बाद नीचे में ज्वाइन का बटन मिलेगा, जहां से आप क्या कर सकते हो, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर फाइनल टीम साथ में फाइनल पिच रिपोर्ट मैच से रिलेटेड जो भी अपडेट होता है टाइम टू टाइम टॉस होने के बाद टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलता है। तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं बैनू के बारे में, बैनू के अकॉर्डिंग ऐसा है तो बैनू पर टोटल T20 का जो मुकाबला खेला गया 31 मुकाबला खेला गया है, जिसमें बैटिंग फर्स्ट डाउन करने वाले टीम ने 15 मुकाबला को विन किया, बैटिंग सेकेंड डाउन करने वाले टीम ने 16 मुकाबला को विन किया। यदि स्कोरिंग पैटर्न्स की बात करें तो बैनू पर 150 रन का स्कोरिंग 9 बार है, 150 और साथ में 169 के बीच में स्कोरिंग बैनू पर 16 बार रहा, 170 और 190 के बीच में बैनू पर 4 बार स्कोरिंग बना। यदि बात करें 190 के ऊपर तो बैनू पर 12 बार बड़े आसानी तरीके से बना है, तो दोनों ही टीम स्ट्रांग है। और सबसे पहले टीम इंडिया फर्स्ट डाउन बैटिंग करता तो आपको 190 के ऊपर बड़े आसानी तरीके से इस बैनू पर रन देखने को मिल जाएगा। एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर 158 प्लस का एवरेज स्कोर आने वाला, हाईएस्ट स्कोर इस बैनू पर श्रीलंका टीम ने 260 का बनाया, यदि बात करें लोएस्ट स्कोर का तो बांग्लादेश टीम ने 83 का बनाया है। पिच होने वाला बैटिंग पिच होने वाला, बैटिंग के साथ साथ इस पिच पर पेसर्स बॉलर्स के लिए काफी ज्यादा एडवांटेज रहता, पेसर्स बॉलर्स आपको विकेट निकालते हुए दिख जाएगा। अब देखो रिसेंट मैच जो इस बैनू पर खेला गया पिछला 3 मैच के बारे में जानेंगे, कितना स्कोरिंग आपको इस वैन पर देखने को मिल सकता है, पेसर्स बॉलर्स को कितना विकेट मिलता है, स्पिनर्स बॉलर्स को कितना विकेट मिलता है। 28 मार्च 2023 को वेस्टइंडीज और साथ में श्रीलंका के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें वेस्टइंडीज की टीम ने 220 रन बनाया। अब देखो यहां पर से साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला खेला गया था, श्रीलंका ने साउथ अफ्रीका टीम ने चेस करते हुए 213 रन बनाया। फर्स्ट इनिंग में पेसर्स बॉलर्स को 6 विकेट मिला, स्पिनर्स बॉलर्स को 1 विकेट मिला। यदि सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में पेसर्स बॉलर्स को 6 विकेट और स्पिनर्स बॉलर्स को 0 विकेट मिला। 12 अप्रैल 2021 को पाकिस्तान और साथ में साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें पाकिस्तान टीम ने पूरे 20 ओवर में 9 विकेट पर 140 रन बनाया, वही चेस करते हुए साउथ अफ्रीका
अफ्रीका टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 141 रन बनाया, वो भी 14 ओवर में। अब देखो फर्स्ट इनिंग में पेसर्स बॉलर्स को 4 विकेट मिला, स्पिनर्स बॉलर्स को भी 4 विकेट मिला। यदि सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में पेसर्स बॉलर्स को 2 विकेट, स्पिनर्स बॉलर्स को भी 2 विकेट मिला। फिर यहाँ पर से देखते 10 अप्रैल 2021 को साउथ अफ्रीका और साथ में पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें साउथ अफ्रीका टीम ने पूरे 20 ओवर में 6 विकेट पर 188 रन बनाया। वहीं यहाँ पर से पाकिस्तान टीम की बात करें तो 6 विकेट पर 189 रन बना करके यह मैच को विन किया था। फर्स्ट इनिंग में पेसर्स बॉलर्स को 4 विकेट और साथ में स्पिनर्स बॉलर्स को 2 विकेट मिला। यदि सेकेंड इनिंग की बात करें तो पेसर्स बॉलर्स को 4 विकेट और स्पिनर्स बॉलर्स को 2 विकेट मिला। लास्ट 3 मैच की बात करें इस वेन्यू पर तो लास्ट 3 मैच में पेसर्स बॉलर्स को 26 विकेट और स्पिनर्स बॉलर्स को 11 विकेट मिला। अब देखो जो भी क्वालिटी का स्पिनर्स बॉलर्स होगा उसे विकेट मिलेगा, अन्यथा उतना कोई चांसेस नहीं रहेगा कि स्पिनर्स बॉलर्स आपको इस वेन्यू पर विकेट निकालते हुए दिख जाएगा। आगे आपको बताने वाला हूं कि क्वालिटी बॉलर्स में से कौन कौन सा क्वालिटी बॉलर्स को अपने टीम में स्पिनर्स बॉलर्स को लेकर के चलना है। अब दोनों टीम के बीच बात करें हेट वेट में तो दोनों टीम के बीच 25 मुकाबला खेला गया, जिसमें 11 मुकाबला साउथ अफ्रीका टीम ने विन किया, वही 13 मुकाबला तो टीम इंडिया ने विन किया। यदि बात करें साउथ अफ्रीका टीम की पिछले 5 T20 मुकाबला में तो 4 मुकाबला लॉस्ट किया, पिछला मुकाबला विन करते हुए आ रहा। यदि यहां पर से बात करें टीम इंडिया के बारे में तो पिछले 5 T20 मुकाबला में 2 मुकाबला लॉस्ट किया, 3 मुकाबला जो वह विन करते हुए आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर से हम लोग जानेंगे साउथ अफ्रीका की तरफ से प्लेइंग 11 टीम का। तो साउथ अफ्रीका की तरफ से प्लेइंग 11 टीम में बात करें तो देखो यहां पर से रीजा हैंडिक्स और साथ में मैथ्यू, ये दोनों खिलाड़ी आपको ओपनिंग करते हुए दिख जाएगा। फिर यहां पर से एडम मार्करम, हैनी क्लासन, डेविड मिलर, फिर यहां पर से एस्टूबस आ जाते हैं, फिर साथ में नंबर पर डेनोवा फेरिया आ जाते हैं, फिर एंडिल फेलेक वाय, उसके बाद यहाँ पर से हैंडिक्स हो गए, फिर यहाँ पर से देखते हैं तबरेज शमसी, लियास्ट विलियम्स, जो कि कुछ इस प्रकार से साउथ अफ्रीका की तरफ से ये प्लेइंग 11 टीम रहेगा। अब देखो ये साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 टीम में जो भी चेंज होता है, जो भी चेंजेस होता है फाइनल प्लेइंग 11 टीम वैसे टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। अब जान लेते हैं कि ये खिलाड़ी में से कौन कौन सा खिलाड़ी इंपोर्टेंट होने वाला, एक एक प्लेयर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर से बात करेंगे रीजा हैंडिक्स के बारे में। यदि इनके अकॉर्डिंग T20 में 31 का एवरेज है, हेट वेट में बात करें तो टीम इंडिया के सामने 26 का एवरेज रन बना रहे। बैनू के अकॉर्डिंग ऐसा है तो बैनू पर 4 मुकाबला खेले के बैनू पर काफी अच्छा खासा एवरेज है, 61 के एवरेज रन बनाए पिछले मैच में तो 49, फिर यहां पर से देखते 42, 3, 56, 83 रन देखने को मिला। जिस तरह से इनका रिसेंट फॉर्म जा रहा है और जिस तरह से बैनू पर इनका रिकॉर्ड है तो यही चांसेस रहेगा कि इस बैनू पर भी आपको 60 से 70 रन स्कोरिंग करते हुए दिख जाएंगे। अब देखो कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी के लिए मोस्ट पिक रहेगा अपने टीम के लिए, कैप्टन या कप्तान बना करके जा सकते हो, जैसा कि पिछले मैच में भी मैंने आपको बोला था 45 प्लस रन स्कोरिंग करते हुए दिख जाएंगे। इस मैच में वैनू पर काफी अच्छा खासा रिकॉर्ड है, रीसेंट फॉर्म भी जबरदस्त का, इसलिए बोले कि 60 से 70 रन इनके बल्ले से देखने को मिल जाएगा। और देखो T20 फॉर्मेट में कोई बल्लेबाज 60 से 70 रन बना देता तो इसमें यही चांसेस रहता कि मेगा ग्रैंडली के आप बहुत ही करीब पहुंच जाओगे, यदि आप वह परफेक्ट खिलाड़ी के बारे में जान जाते हो। तो देखो प्लेयर्स के रीसेंट फॉर्म और साथ में आपको वैनू पर बता दिया हूं कैसा एवरेज है और हेड टू हेड में ऐसा परफॉर्मेंस है, तो क्लियरली कैप्टन या वाइस कैप्टन मेगा ग्रैंड लीग में पिक करके जा सकते हो। फिर मैथ्यू के बारे में बात करें, T20 में 10 का एवरेज है, T20 में 10 का एवरेज रन बना रहे, हेट वेट में बात करें तो 16 का एवरेज है, बैन ऊपर एक भी मुकाबला नहीं, रीसेंट फॉर्म में 16-5 रन बनाते हुए दिख रहे। रीसेंट फॉर्म की बात करो तो उतना कुछ खास नहीं, तो मैं क्लियरली कि अपनी टीम से फिलहाल इस खिलाड़ी को ड्रॉप करके जाऊंगा क्योंकि उनके पास अभी देखा जाए तो रीसेंट में कुछ खास अनुभव भी नहीं है। फिर बात करेंगे यहां पर से एडम मार्करम के बारे में, एडम मार्करम के अकॉर्डिंग तो T20 में 39 का एवरेज रन बना रहे, साथ में यहां पर से 10 विकेट निकाले, 38 मुकाबला खेले करके, हेट वेट में 5 मुकाबला खेले, 35 का एवरेज रन बना रहे और साथ में 1 विकेट निकाले। बैनू के अकॉर्डिंग ऐसा तो बैनू पर 4 मुकाबला खेले करके 51 के एवरेज रन बना रहे, बैनू पर काफी अच्छा खासा एवरेज है, जैसा कि पिछले मैच में बात करें तो पिछले मैच में भी 30 रन और साथ में 1 विकेट निकालते हुए दिख रहे, 41 रन, 1 विकेट, 49 रन, 0 विकेट, 7 रन, फिर 35 रन और साथ में यहां पर से 1 विकेट निकालते हुए दिख रहे। अब देखो पिछले T20 मुकाबला में बात करें, जब भी बैटिंग करते हुए आए तो 30 प्लस का स्कोरिंग है, क्लियरली आप ऐसा समझ लो, साथ में जब भी बॉलिंग करते हैं तो बॉलिंग से 1 विकेट कंफर्म रहता है, तो टीम में पिक करके चलना। देखो मेगा ग्रैंडलिंग में इस खिलाड़ी को भी चाहते हो कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी का पिक करना तो अपनी टीम के लिए कैप्टन या वाइस कैप्टन बना करके जा सकते हो, आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगा क्योंकि बैनू पर काफी अच्छा खासा रिकॉर्ड है। फिर बात करेंगे यहां पर से हैनी क्लासन का, तो T20 में 23 के एवरेज से रन बना रहे, हेट वेट में 8 मुकाबला खेले करके 217 रन, साथ
सात में 31 के एवरेज से रन बना रहे। रिसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग आ जाओ तो रिसेंट फॉर्म में 7, 6, 16, 1, 21 रिसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग आ जाते हो तो हैंडी क्लासन का रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं। लेकिन गाइस यदि बात करें बैन ऊपर तो बैन ऊपर 37 के एवरेज से रन बनाते हुए दिख रहे, तो वैसे इस मैच में चांसेस रहेगा कि 35 से 40 रन आपको कहीं ना कहीं स्कोरिंग करते हुए दिख जाएंगे। तो चाहे तो टीम में ट्राई करना तो टीम में लेकर के जा सकते हो। फिर बात करेंगे यहाँ पर से हम लोग डेविड मिलर के बारे में। डेविड मिलर के अकॉर्डिंग ऐसा है तो T20 फॉर्मेट में 33 का एवरेज है। यदि हेट वेट में बात करें तो हेट वेट में 44 का एवरेज से रन बना रहे। वही यहाँ पर से बैनू के अकॉर्डिंग आ जाए तो बैनू पर 11 मुकाबला खेले करके 207 रन बनाए, 29 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म में 17, 11, 10, 48 और साथ में यहाँ पर से 17 रन का स्कोरिंग करते हुए दिख रहे हैं। यदि हेट वेट में बात करे हुए तो टीम इंडिया के सामने ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहे हैं, 44 का एवरेज से रन बनाते हैं। और देखो ये चीज ध्यान में रखना, जब भी साउथ अफ्रीका का टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज आउट हो जाता तो उसमें मेगा ग्रैंडिंग में काफी ज्यादा इंपोर्टेंट आएगा आपके लिए डेविड मिलर। तो डेविड मिलर को क्लियरली कि आप अपने टीम से बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना, क्योंकि टीम इंडिया के सामने 44 का एवरेज है और बैनू पर भी बात करते हैं तो बैनू पर भी 29 का एवरेज से रन बनाते हुए दिख रहे हैं। फिर बात करेंगे स्टुवर्स के बारे में। T20 में 17 मुकाबला खेले करके 21 का एवरेज से रन बना रहे। हेट वेट में बात करें तो 7 मुकाबला खेले करके 14 का एवरेज से रन बना रहे। बैनू पर एक भी मुकाबला नहीं। रिसेंट फॉर्म में 14, 25 फिर यहां पर से देखते 27, 0, 18 रिसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग आ जाओ तो रिसेंट फॉर्म में कुछ खास परफॉर्मेंस करते हुए नहीं दिख रहे। एंडिल फ्लैग वायो के अकॉर्डिंग ऐसा है तो 39 मैच खेले करके 10 के एवरेज से रन बना रहे, साथ में यहां पर से 45 विकेट निकाले। हेट टू हेड में 6 मुकाबला खेले करके 31 के एवरेज से रन बना रहे, 3 विकेट निकाले। बैनू के अकॉर्डिंग ऐसा है तो बैनू पर 7 मुकाबला खेले करके 22 रन बनाए, 9 विकेट निकाले। रिसेंट फॉर्म में 10 रन 0 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 22 रन फिर यहां पर से 1 विकेट निकाले, फिर 1 विकेट निकालते हुए दिख रहे। वैसे देखो बैनू पर पेसर्स बॉलर्स के लिए एडवांटेज रहता तो टीम में चाहते हो पिक करना तो टीम में पिक करके जा सकते हो, लेकिन पिछले मैच में देखते तो 0 विकेट निकाले, बट बॉलर्स काफी इंपॉर्टेंट बॉलर्स है तो आप अपने टीम में ट्राई करके जा सकते हो। फिर बात करेंगे यहां पर से हैंड्रिक्स के अकॉर्डिंग। यदि हैंड्रिक्स के अकॉर्डिंग आ जाए तो T20 फॉर्मेट में 19 मैच खेले करके 25 विकेट है। हेट टू हेड में 2 मुकाबला खेले करके 4 विकेट निकाले। बैनू पर 3 मुकाबला खेले करके 5 विकेट निकाले। रिसेंट फॉर्म में 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट फिर यहां पर से 3 विकेट निकाले। यदि 0 विकेट की बात करें पिछले 5 मैच में तो 3 मैच में 0-0 विकेट निकालते हुए दिख रहे, लेकिन बैनू पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा एंडिल फ्लैग वायो की जगह पर आप इस खिलाड़ी को पिक करके जा सकते हो, क्योंकि T20 फॉर्मेट में 19 मैच के लिए 25 विकेट है। हेड टू हेड में 2 मुकाबला खेले करके 4 विकेट है। बैनू पर भी 3 मुकाबला खेले करके 5 विकेट निकाले तो चांसेस रहेगा कि 1 से 2 विकेट क्लियरली कि आपको निकालते हुए दिख जाएंगे। तबरेज शमसी की बात करें तो T20 फॉर्मेट में 64 मुकाबला खेले करके 77 विकेट निकाले। यदि हेड टू हेड में बात करें 11 मुकाबला खेले करके 6 विकेट है। बैनू पर 6 मुकाबला खेले करके 6 विकेट निकाले। रिसेंट फॉर्म में 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट फिर 0 विकेट 1 विकेट निकाले। यदि पिछले 5 T20 मुकाबला में देखे तो पिछले 5 T20 मुकाबला में 1 मुकाबला में 0 विकेट और 4 मुकाबला में 1-1 विकेट निकालते हुए दिख रहे। वैसे भी बैनू पर पेसर्स बॉलर्स के लिए काफी ज्यादा एडवांटेज रहा था, चाहे तो पिक करना तो पिक करके जा सकते हो, लेकिन रिसेंट फॉर्म कुछ खास है नहीं। फिर बात करेंगे यहां पर से लियाज विलियम्स का। यदि इनके अकॉर्डिंग ऐसा है तो T20 में 10 मुकाबला खेले करके 14 विकेट निकाले। हेड टू हेड में 1 मुकाबला खेले करके 1 विकेट है। बैनू पर 2 मुकाबला खेले करके 4 विकेट निकाले। बैनू पर ठीक ठाक विकेट निकालते हुए दिख रहे, पिछले मैच में भी 1 विकेट निकाले, 1 विकेट 3 विकेट 2 विकेट। विकेट की बात करें तो लियाज विलियम्स काफी अच्छा खासा T20 फॉर्मेट में विकेट निकालते हैं। अब बेंच प्लेयर्स में देख लो, बेंच प्लेयर्स कुछ इस प्रकार से बेंच प्लेयर्स है। यदि इसमें जो भी चेंजेस होगा टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, कोई खिलाड़ी खेलता या नहीं खेलता तो मैं आप लोग को बता ही दूंगा। अब बात करते हैं स्टार्टिंग ओवर प्लेयर्स बैटल का देख लेते हैं। सबसे पहले यदि प्लेयर्स बैटल के अकॉर्डिंग आंसर तो रिजा हेनरिक्स का देख लेते हैं। कुलदीप यादव के सामने 9 बॉल खेले गए, 15 रन बनाए, 1 बार विकेट फेंके। एडम मार्करम की बात करें तो यहां पर से मुकेश कुमार के सामने 9 बॉल खेले गए, 20 रन बनाए, साथ में 1 बार विकेट फेंके। यदि बात करें यहां पर से हैंडी क्लासन का तो मुकेश कुमार के सामने 8 बॉल खेले गए, 22 रन बनाए, साथ में 0 बार विकेट फेंके। मोहम्मद सिराज के सामने 2 बॉल खेले गए, 0 रन बनाए, 1 बार विकेट फेंके। डेविड मिलर की बात करें तो मुकेश कुमार के सामने 4 बॉल खेले गए, 7 रन बनाए, साथ में यहां पर से 1 बार विकेट फेंके। अर्शदीप सिंह के सामने 18 बॉल खेले करके 38 रन बनाए, 1 बार विकेट फेंके। रविंद्र जडेजा के सामने 20 बॉल खेले करके 28 रन बनाए, साथ में यहां पर से 1 बार विकेट फेंके, जो कि प्लेयर्स बैटल कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हो।
अब बात कर लेते हैं टीम इंडिया की तरफ से प्लेइंग 11 टीम का। सुमन गिल और साथ में जयसवाल ओपनिंग करते हुए दिखेगा, फिर तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, फिर यहाँ पर से रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार, जो कि कुछ इस प्रकार से टीम इंडिया की तरफ से ये प्लेइंग 11 टीम रहेगा। अब देखो ये जो प्लेइंग 11 टीम देख रहे हो, इसमें जो भी चेंज होगा, जो भी चेंजेस होगा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बताऊंगा। वैसे देखो ये दोनों खिलाड़ी में से कोई एक खिलाड़ी आपको इस मैच में काफी ज्यादा चांसेस है कि खेलते हुए नहीं नजर आ सकते, हो सकता तो ओपनिंग करते हुए इस मैच में ऋतुराज गायकवाड़ भी नजर आ सकते। बाकी जो खेलता या नहीं खेलता मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सजेशन कर ही दूंगा, फाइनल प्लेइंग 11 टीम बता ही दूंगा। अब जान लेते हैं कि टीम इंडिया की तरफ से एक एक प्लेयर्स के बारे में कौन कौन सा प्लेयर इंपोर्टेंट पिक होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे सुमन गिल के बारे में। सुमन गिल के अकॉर्डिंग आज टी ट्वेंटी में तो 27 के एवरेज से रन बना रहे, हेड टू हेड में एक मुकाबला खेले, पिछले मैच में 0 रन पर अपना विकेट पिक करके गए, बैन पर आया था एक भी मुकाबला नहीं, रिसेंट फॉर्म में 0-9-77 फिर यहां पर से देखते थे और 7 रन का स्कोरिंग है। यदि रिसेंट फॉर्म की बात करें पिछले 5 टी20 मुकाबला में तो क्लियरली देख लो कि पिछले 5 टी20 मुकाबला में एक ही मुकाबला में ठीक ठाक स्कोरिंग करते हुए दिख रहे हैं। इधर देखो तो इधर कंटिन्यू 4 मुकाबला में फ्लॉप गए। अब बात कर लेते हैं यशस्वी जायसवाल का। जायसवाल के अकॉर्डिंग आया तो 14 खेले टी20 में 30 कवरेज से रन बना रहे, हेड टू हेड में एक मुकाबला खेले, 0 रन बनाए, बैन ऊपर एक भी मुकाबला नहीं, रिसेंट फॉर्म में 0-21-37-53 रन का स्कोरिंग देखने को मिला। बट मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप इस मैच में जायसवाल को लेकर के चलना, यदि जायसवाल खेलते हुए नजर आ जाते हैं तो क्लियरली कि इस मैच में ये आपको 40 प्लस रन स्कोरिंग करते हुए दिखेंगे, क्योंकि पिछले कुछ मैचों से इनके बल्ले से रन नहीं देखने को मिला और काफी तेजी गति से रन बनाएंगे, तो फैंटेसी पॉइंट की चांसेस आपको यही रहेगा, 80-90 पॉइंट बड़े आसानी तरीके से दे करके जाएंगे। तो मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि सवाल को टीम में ले करके चलना। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग यहां पर से बात करने वाले तिलक वर्मा के बारे में। तिलक वर्मा के अकॉर्डिंग ऐसा है तो टी20 फॉर्मेट में 14 मुकाबला खेले करके 38 एवरेज से रन बना रहे, बैन पर बात करें तो एक मुकाबला खेले करके 29 रन बनाए, 29 का एवरेज है, हेड टू हेड में एक मुकाबला खेले करके 29 रन बनाए, 29 का एवरेज है, बैन पर एक भी मुकाबला नहीं, रिसेंट फॉर्म में 29-31 फिर यहां पर से 7-12-55 रन और साथ में एक विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं, तो टीम में पिक कर देना क्योंकि तीसरे नंबर पर ये आपको बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे। सूर्य कुमार यादव के अकॉर्डिंग आज टी20 में 59 मुकाबला खेले करके 44 के एवरेज से रन बना रहे, हेड टू हेड में 5 मुकाबला खेले, 60 के एवरेज से रन बना रहे, पिछले मैच में भी 56 रन बनाते हुए दिख रहे हैं, 5-1-39 और साथ में यहां पर से 19 रन का स्कोरिंग है पिछले 5 मैच में। और देखो साउथ अफ्रीका के सामने काफी अच्छा खासा एवरेज है, 60 के एवरेज से रन बनाते हैं, तो क्लियरली कि इस मैच में भी आपको 50 प्लस रन, कम से कम 50 प्लस रन स्कोरिंग करते हुए दिखेंगे। कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी के लिए मोस्ट पिक रहेगा, सूर्य कुमार यादव को कैप्टन या वाइस कैप्टन भी पिक करके जा सकते हो। फिर बात करेंगे रिंकू सिंह के बारे में। रिंकू सिंह के अकॉर्डिंग आया है तो टी20 में 11 मुकाबला खेले करके 82 के एवरेज से रन बना रहे, हेड टू हेड में एक मुकाबला खेले, पिछले मैच में 68 रन बनाते हुए दिख रहे हैं, रिसेंट फॉर्म में 68-46-31 रन का स्कोरिंग है, टीम में पिक कर लेना क्योंकि ये बल्लेबाज आपको रन बनाते हुए दिख ही जाएंगे। जितेश शर्मा के बारे में जान ले तो टी20 में 6 मुकाबला खेले करके 16 के एवरेज से रन बना रहे, हेड टू हेड में एक मुकाबला खेले करके 1 रन बनाए, 1 का एवरेज है, बैन पर एक भी मुकाबला नहीं, रिसेंट फॉर्म में 1-24 फिर यहां पर से 35 रन का स्कोरिंग है, 5 रन स्कोरिंग करते हुए दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे रविंद्र जडेजा के बारे में। रविंद्र जडेजा के अकॉर्डिंग आजाद तो टी20 में 65 मुकाबला खेले करके 23 कवरेज से रन बना रहे, 51 विकेट निकाले, हेड टू हेड में 6 मुकाबला खेले करके ओनली 22 के एवरेज से रन बना रहे, यदि 6 मुकाबला में बात करो तो 45 रन ही बनाए, साथ में 2 ही विकेट निकाले साउथ अफ्रीका के सामने, बैन पर एक भी मैच नहीं, रिसेंट फॉर्म में 19 रन 0 विकेट फिर यहां पर से देखते हैं तो 1 विकेट निकाले, 35 रन 0 विकेट 27 रन और 1 विकेट 16 रन और साथ में यहां पर से 1 विकेट निकाले, तो क्लियरली आप ये चांसेस रखना, बैटिंग का मौका मिलेगा तो बैटिंग से 20-25 रन बनाते हुए दिखेंगे, अन्यथा बॉलिंग से कुछ खास नहीं हो सकता तो एक आध विकेट मिल सकता, कोई बल्लेबाज प्रेशर में आकर के यदि कोई पावर हिटिंग करता तो इस कंडीशन में इनको विकेट मिलेगा, बाकी आप विकेट की उतना कुछ खास उम्मीद मत रखना। कुलदीप यादव के बारे में जान ले तो टी20 में 33 मुकाबला खेले करके 53 विकेट है, हेड टू हेड में 1 मुकाबला खेले करके 1 विकेट है, रिसेंट फॉर्म में 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट। अब देखो कुलदीप यादव को पिक करके जा सकते हो क्योंकि क्वालिटी का स्पिनर्स बॉलर है और जो भी क्वालिटी का स्पिनर्स बॉलर होगा बैन पर आपको विकेट निकालते हुए दिख जाएंगे क्योंकि इनका बॉलिंग स्टाइल लेफ्ट आर्म चाइना मैन बॉलिंग करते हैं। अब देखो चाइना मैन ये जो बॉलिंग करते हैं इसमें यही चांसेस रहेगा कोई बल्लेबाज यदि इनके ऊपर काफी ज्यादा पावर हिटिंग करता LPW होगा यदि बॉल मिस
करता नहीं तो बोल्ड होगा, ये दो कंडीशन में ये विकेट लेकर के हर हमेशा जाते हैं। तो मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि इस मैच में आप कुलदीप यादव को पिक करके जा सकते हो। फिर यहाँ पर से आ जाते हैं मोहम्मद सिराज के अकॉर्डिंग ऐसा है तो T20 में 9 मुकाबला खेल करके 12 विकेट निकाले, T20 में 2 मैच खेल करके 1 विकेट है, रेशन पर में 1 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, फिर यहाँ पर से 1 विकेट निकाले, तो टीम में पिक करके जा सकते हो क्योंकि काफी अच्छा खासा है। और रेशन पर भी देखा जाए तो ठीक ठाक रेशन पर में साउथ अफ्रीका का पिच है, साउथ अफ्रीका की पिच पर एडवांटेज रहेगा पेसर्स बॉलर्स के लिए, वैसे में आपको मोहम्मद सिराज इंपोर्टेंट पिक है। अर्शदीप सिंह के अकॉर्डिंग ऐसा है तो T20 में 41 मुकाबला खेल करके 58 विकेट है, T20 में 4 मुकाबला खेल करके 7 विकेट निकाले, रिसेंट फॉर्म में 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, फिर 1 विकेट और साथ में 0 विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं। रिसेंट फॉर्म की बात करो तो T20 फॉर्मेट में पिछले मैच में देखते तो 0 विकेट निकाले, इधर 2 विकेट और 1 विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका के सामने T20 में 4 मुकाबला खेले, 7 विकेट निकाले, तो ये दोनों में से किसी एक को पिक करके जा सकते हैं। ये दोनों में से कोई एक बॉलर आपको बड़ी आसानी तरीके से 2 से 3 विकेट निकाल करके जाने वाला है। फिर मुकेश कुमार के अकॉर्डिंग आता है, मुकेश कुमार के बारे में जान लें तो T20 में 10 मुकाबला खेले करके 9 विकेट है, T20 में 1 मुकाबला खेले करके 2 विकेट है, रिसेंट फॉर्म में 2 विकेट, 3 विकेट, फिर यहां पर से देखते हैं 0 विकेट और 1 विकेट, 0 विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं। पिछले 2 मैच में बात करें तो 2 मैच में काफी अच्छा खासा विकेट निकाले, तो क्लियर दे कि आप अपनी टीम में पिक करके जा सकते हो, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बेंच प्लेयर में देख लो, बेंच प्लेयर कुछ इस प्रकार से बेंच प्लेयर रहेगा टीम इंडिया की तरफ से। इस मैच में ऋतुराज गायकवाड की काफी ज्यादा चांसेस है जो आपको खेलते हुए दिख जाएंगे, तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप अपनी टीम में पिक करके जा सकते हो। प्लेयर्स बैटल के बारे में जान लें तो प्लेयर्स बैटल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहां पर से सुमन गिल का प्लेयर्स बैटल, तो लियास्ट विलियम्स के सामने 2 बॉल खेले करके 0 रन बनाए, 1 बार विकेट फेंके। सूर्य कुमार यादव की बात करें तो केशव महाराज के सामने 28 बॉल खेले करके 40 रन बनाए, 0 बार विकेट फेंके हैं। तबरेज शमसी के सामने 18 बॉल खेले करके 18 रन और साथ में यहां पर से 1 बार विकेट फेंके। यशस्वी जायसवाल का कोई भी प्लेयर्स बैटल नहीं, तिलक वर्मा का कोई भी प्लेयर्स बैटल नहीं है। अब देख लेते कि फाइनली मैंने अपना टीम का कॉम्बिनेशन किस प्रकार से बनाया हूं मेगा ग्रैंड लीग का। तो विकेट कीपर में बात करें तो विकेट कीपर में हैंडी क्लासन, बैटिंग से आ जाए सूर्य कुमार यादव, फिर सुमन गिल और साथ में हैंडिक्स को टीम में पिक किया हूं, यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा को लेकर के चला हूं। ऑलराउंडर्स में आ जाए तो ऑलराउंडर्स में मैं जो अपने टीम में एडम मार्करम और साथ में जडेजा, बॉलिंग में बात करें तो मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और लियास्ट विलियम्स को टीम में पिक किया हूं। कैप्टनसी की बात करते हैं तो कैप्टन एडम मार्करम को कैप्टन और वाइस कैप्टन सूर्य कुमार यादव को पिक करके चला हूं वाइस कैप्टन। अब देखो इसमें कैप्टन के अकॉर्डिंग आ जाए तो कैप्टन आपके लिए तो ये ठीक ठाक है, कैप्टन इससे भी बना सकते हो, नहीं तो रोटेशन करना चाहते हो तो सूर्य कुमार यादव को कैप्टन कर लेना। मेगा ग्रैंडलीग में वाइस कैप्टन पिक करना चाहते हो तो एनिक लैसन को पिक करके जा सकते हो। देखो थोड़ा बहुत आप रिक्स लेना चाहते हो तो रिक्स, आप थोड़ा खेलना चाहते हो तो आप सुमन गिल के ऊपर जा सकते हो क्योंकि पिछले 5 मुकाबला या 6 मुकाबला से रिसेंट फॉर्म T20 फॉर्मेट में कुछ खास नहीं। अब देखो कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये चांसेस रहेगा सुमन गिल इस मैच में काफी ज्यादा पेशेंस के साथ बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे क्योंकि T20 फॉर्मेट में कुछ खास रिसेंट फॉर्म नहीं, तो यही सोच करके बैटिंग करेंगे कि इस मैच में किसी तरह से अपना रिसेंट फॉर्म जो हुआ वापस लाया जाए। अब देखो ये जो टीम देख रहे हो, इस टीम में मैं जो भी चेंज करूंगा, जो भी चेंजेस करूंगा, फाइनल टीम कहां पर देखने को मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। तो आ जाओ इस वीडियो के बाद आप लोग को साथ कहां पर मिलते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आपको फाइनल टीम, फाइनल पीस रिपोर्ट और सारा कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर टॉस होने के बाद मैच से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है टाइम टू टाइम मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर देता हूं। और भाई वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर देना, और इसी प्रकार से वीडियो देखना चाहते हो प्रिडिक्शन का तो सबसे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ओपन करके रखना ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में सभी लोग।